जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी गई, जहां सिद्धू कानू लगातार आदिवासियों को, जाति जनजाति के लोगों को एक पहचान दिलाने के लिए लड़ते रहे, और आखिरकार आज वो समय आया जब झारखंड को एक अलग राज्य के तौर पर उन्हें प्राथमिकता भी दी गई, एक पहचान भी बनी। और आज देखिए हरियाणा में लगने वाले सूरजकुंड मेले में कितना बड़ा स्टॉल लगाया गया है झारखंड का। यहाँ एक एक विशेष चीज़ें हैं जो केवल झारखंड की है। झारखंड की परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, वहाँ की खासियत क्या है, आखिर झारखंड की पहचान क्या है, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए वहाँ से कुछ प्रतिनिधि आए हैं, वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इन्होंने स्टॉल लगाया है। देखिए आप पीछे देख पाएंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कितना बड़ा ये पोस्टर लगाया गया है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक ये पूरा स्टॉल सिर्फ और सिर्फ झारखंड का लगाया गया है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते आज आप देखेंगे कि झारखंड के लोगों ने देश भर में, ना केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी झारखंड ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर झारखंड की इस बार क्या खास चीज़ें यहाँ पहुँची हैं और किस तरह ये चीज़ें लोगों को आकर्षित कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ देखिए आप देख पाएंगे एक स्टॉल लगा हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पर हैंडलूम चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं, और यहाँ पे फिलहाल ये देखिए ऑर्नामेंटल चीज़ें भी हैं जो महिलाओं को सजने संवरने में बहुत मदद करती हैं। अंगूठी हैं, कान के झुमके हैं, गले का हार है, माला है वहाँ पर, वो देखिए सब कुछ। ये एक एक चीज़ बेशक आप देखेंगे तो आपको ये कॉमन लग रहा होगा, बहुत साधारण लग रहा होगा, लेकिन एक एक चीज़ हैंडमेड है, सब कुछ हाथ से तैयार किया गया है। यहाँ चाहूंगी संजय आप यहाँ पर आए और आप ये दिखाए, देखिए ये एक कपड़ा भी, आप कोई सा भी कपड़ा उठा के देख लीजिए, ये प्योर कॉटन है और ये जो है ये प्योर सिल्क है। इस साइड ये देखिए इन्होंने सिल्क पर मिथिला की पेंटिंग को उकेरा हुआ है, और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या इसका कलर या क्या इसका रंग उतर जाता है, तो इन्होंने साफ कहा कि इसका रंग आप चाहे इसे हज़ार बार भी धो लेंगे तब भी इसका रंग, इसका कलर नहीं उतरने वाला है। यही खासियत है हज़ारीबाग और जो अलग अलग ज़िले से झारखंड के पहुँचे हैं उन लोगों की, कि ये लोग सच्ची और अच्छी चीज़ यहाँ पर बेच रहे हैं। हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम सिकंदर अंसारी है। आप कहाँ से आए हैं? हम झारखंड रांची से आए हैं। हम ये कपड़ा का दो स्टोर लगाए हैं, ये कॉटन है, सिल्क है, नहीं सोल है, गमछा है, थान कपड़ा है, सूट कपड़ा है, ये सारे चीज लगाए हैं। काम चल रहा है अच्छा आपका? नहीं, काम अभी हमारा बिल्कुल एकदम नहीं चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जगह हमको ठीक नहीं मिला। अच्छा, हमको जगह ठीक नहीं मिला। अच्छा, तो आप ये पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आपने लगाया? नहीं, या इस बार हम पहली बार आए हैं। अच्छा। और जगह लगाते हैं तो और जगह अच्छा सेल होता है, लेकिन यहाँ तो हमको जगह नहीं ठीक होने का कारण एकदम सेल नहीं हुआ हमारा। आपको कोई पुरस्कार अब तक मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो मैं चाहूंगी एक बार आप कोई आइटम जो आपका बिल्कुल बढ़िया हो वो उठा के एक बार दिखाएं और बताएं उसके बारे में कितने का वो। हाँ, ये देखिए आपका सिल्क का साड़ी। हाँ, कितने की है ये? ये 6,500 का है। 6,500 का है। तो बिल्कुल सेम दाम पे आप देते हैं या कुछ कम ज्यादा भी करते हैं? इधर उधर एक दूसरे रुपया हो जाता है। अच्छा। एक दूसरे रुपया इधर उधर कर देते हैं। क्या खासियत है इस साड़ी की? ये साड़ी में खासियत है। हाँ। कि ये प्रिंट जो है मधुबनी प्रिंट है और ये प्योर चीज है, हेडलूम का है, ये हेडलूम से हम लोग काम करते हैं। हमारा तो संस्था है, बुनकर है, सब हम लोग बुनकर है ना, बीवर है, तो हम लोग तो 20-25 कारीगर अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए आपने देखा, ये देखिए ये बहुत खूबसूरत, झारखंड में आप बहुत से लोगों को ऐसी साड़ी पहनते हुए देखेंगे, और खासकर कई बार मैंने खुद देखा है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको इस प्रकार की कई साड़ियां मैंने पहनते हुए देखा है, वो भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और देखिए इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि प्योर रेशम है, है नहीं? ये एक साड़ी आपको 10 दिन में बना है। अच्छा। ये जितना भी धागा ये दिख रहा है ये हाथ से बनाया गया है, हम खुद बनाते हैं, ये धागा से बना गया है। हाँ। नहीं, ताकि विभिन्न का समय धागा से बनते गया है, ये प्रिंट नहीं है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर प्रिंटेड चीज़ें बिल्कुल
अगर हैं भी तो ऐसी जिसका प्रिंट कभी ना जाए, और अगर हाथ से भी बनी हुई चीज़ है तो वो भी ऐसी जिसे आप सालों साल भी पहनेंगे तो उसकी चमक, उसकी शाइन कभी जाने वाली नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के सजने संवरने के लिए काम आता है, और यहाँ पे सर हमारे साथ हैं और साथ ही जो मैम हैं वो भी हैं, उनसे जानेंगे कि मैम आप एक बार इधर आ जाइए प्लीज़। हाँ, आपने ये मैम ने यहाँ पर दो स्टॉल लगाया है, एक यहाँ पर इन्होंने जो महिलाओं के लिए सजने संवरने का सामान है वो लगाया है, एक इन्होंने हैंडलूम की दुकान लगाई थी, ठीक वैसा ही जैसा आप पीछे यहाँ पर ये जो दुपट्टे लटके हुए हैं आप इन्हें देख सकते हैं, ऐसा ही इन्होंने अपने हैंडलूम के दुकान पर लगाया था। मैम वहाँ पर आपसे नहीं जान पाए थे, लेकिन यहाँ जानना चाहूँगी आपसे क्या खासियत है इनकी, कितना प्राइस है, लोगों के बीच कितना इसको लेकर उत्साह है, लोग कितने खुश हैं, और क्या ये चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही। ये देखिए इस तरह की बहुत सी हैंडमेड चीज़ें आपको दिख जाएंगी, और ये क्या है मैम? टी कोस्टर है। अच्छा, टी कोस्टर है, यानी इसके ऊपर आप कप रख के चाय पी सकते हैं, या आपको इससे चाहे आप कप को ढक भी सकते हैं। जी मैम जानना चाहूँगी, जी इन्हें आप खुद बनाती हैं? जी, पेंटिंग किया हुआ है इस पे। मैम नाम बता दीजिए। कविता कर। देखिए कविता जी इन्हें खुद डिज़ाइन करती हैं, इनकी माता पहले डिज़ाइन किया करती थी, अपनी मम्मी से ही इन्होंने इन चीज़ों को सीखा, और उसके बाद अपनी इस परंपरा को इन्होंने आगे भी जारी रखा और ख़ुद भी एक कलाकार बनी। और आप देख पाएंगे इस तरह की चीज़ें बेशक आसान लगे लेकिन इन्हें बना पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना ये देखने में आसान लगती हैं। देखिए इन दुपट्टों पे भी, इन कपड़ों पे भी जो ये पेंटिंग की गई है, जो डिज़ाइन किया गया है, ये कविता जी ने खुद अपने हाथों से तैयार किया एक एक दुपट्टा। मैम कितना समय लग जाता है? लगभग 10 दिन लग जाता है। एक 10 दिन लग जाता जी, है जी। डिज़ाइन करते समय आपके माइंड में मतलब क्या थॉट्स होते हैं, क्या सोचती हैं? जो देखते हैं यही बनाते बनाते बन जाता है जो भी ऐसे। अच्छा, जैसे कहानी पे डिजाइन कुछ सोचते होंगे? नहीं। अच्छा, आप और ऐसा आप सेम दोबारा बना लेते हैं एक ही बार? नहीं बना लेते हैं दोबारा भी ऐसे जी। तो देखिए ये पूरा आप देख पाएंगे, ये देखिए जूट, यानी कि ये जो जूट के बैग्स हैं इस पर भी इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है। और मैम इन बैग्स की क्या खासियत है? ये जूट के बैग है जो झारखंड में बनती है, और ये पेंटिंग उस पे किए हैं जो इस पे लोग ज्यादा। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, जूट के लिए भी झारखंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बांस के लिए भी झारखंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए हमेशा वहाँ पर जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी जाती रही। और ये जूट के बैग पर इन्होंने डिजाइन उकेरा है, ये आप 100 बार भी धोएंगे तो ये धुलने वाला नहीं है। यही खासियत है इन पेंटिंग्स की, और यही खासियत है इन रंगों की।